नमस्कार मित्रों, कल है कार्तिक मास की पूर्णिमा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने एक ऐसा सटीक प्रयोग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसे यदि कल के दिन आपने कर लिया, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। साथ ही कल के दिन इस छोटे से महाप्रयोग से समस्त प्रकार के तीर्थों के स्नान का पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। आप सभी लोगों को पता है कार्तिक मास की 12 महीनों में सबसे अधिक महत्वता बताई गई है और बहुत से लोग पूरे महीने तक कार्तिक स्नान भी करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की आराधना भी करते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन भी करते हैं, एक समय भोजन भी करते हैं। यही सबसे प्रमुख कारण है कि कार्तिक मास अपने आप में ही एक सिद्ध मास के रूप में माना जाता है। आज मैं आपको जो छोटा सा महाप्रयोग बताने जा रहा हूं इसे कल के दिन अवश्य कीजिएगा। 100% भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ साथ में समस्त तीर्थ जो बने हुए हैं इनके स्नान का भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यदि किसी भी तीर्थ का स्नान करते हैं तो सहस्त्र गुणा व्यक्ति के जीवन में लाभ देखने को मिलते हैं, समस्त प्रकार की नकारात्मक स्थितियां आपके जीवन से हट जाती है। किंतु वर्तमान समय में जो संक्रमण चल रहा है उस कारण बहुत से लोग चाह रहे हैं किंतु धार्मिक स्थानों के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, तीर्थ स्थानों के ऊपर स्नान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसा सटीक महाप्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे घर पर ही कर आप इन तीर्थों का स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ में भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, बहुत छोटा सा प्रयोजन है। कल सुबह प्रातःकाल सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, अगर बहुत से लोगों को मैंने देखा है आजकल के समय की जीवन शैली के चलते बहुत से लोग देर तक सोते हैं तो कल आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ज्यादा लेट तक नहीं सोना चाहिए और स्नान करते समय आपको ये छोटा सा महाप्रयोग करना है। आपकी जो नहाने की बाल्टी है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध की 1-2 चम्मच डाल सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, ये तीनों यदि आपके लिए संभव हो तो अवश्य डालना चाहिए। अगर तीनों में से आपके पास कुछ नहीं है, गंगा जल नहीं है, हल्दी नहीं है या फिर कच्चा दूध नहीं है, जो भी संभव हो तीनों डाले और भगवान विष्णु को प्रणाम कर दक्षिण दिशा की तरफ अपनी पीठ रखें और नॉर्थ दिशा की तरफ अपना मुख रखकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें और एक छोटा सा मंत्र है यदि इसका उच्चारण कर पाए तो बहुत बढ़िया, अन्यथा मानसिक रूप में समस्त तीर्थों का ध्यान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, ये सभी तीर्थ जो गंगा जल मैंने अपने नहाने के स्नान के अंदर अर्पित किया है इसके अंदर आकर विराजमान हो, समस्त तीर्थों के जो स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है ये मुझे प्राप्त हो, ऐसा ध्यान कर समस्त तीर्थों को प्रणाम कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रणाम करें। और जब आप अपने मग्गे से जल डालते रहें अपने शरीर पर तो बहुत आसान धीरे धीरे कर 108 बार अगर ये संभवत हो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, जितनी भी बार संभवत हो, अगर काउंट नहीं भी करते हैं जितनी भी बार संभवत हो इसी प्रकार का ध्यान करें कि आप किसी तीर्थ स्थान के ऊपर स्नान कर रहे हैं और वो जल आप अपने शरीर पर डालते रहें। मित्रों, शास्त्र मान्यता है कि यदि गंगा जल डालकर आप अपने स्नान के अंदर स्नान करते हैं तो ये तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ये छोटा सा प्रयोजन करने के पश्चात अपने वस्त्र इत्यादि से तैयार हो जाइए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आसपास में कोई मंदिर हो वहां आपको कल अवश्य जाना चाहिए। एक घी का दीपक यदि आप अपने साथ लेकर जाते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। अगर मंदिर में तुलसी वृक्ष हो, तुलसी का पौधा बना हुआ हो, वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। कल के दिन कुछ भी वस्तु का दान करना शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है, जो भी वस्तु आप दान करते हैं, चाहे अन्न करते हैं, चाहे धन करते हैं, चाहे वस्त्र करते हैं, ये सहस्त्र गुणा परिवर्तित होकर आपके जीवन में पुनः आपको प्राप्त होता है। इसलिए कल के दिन का दान महत्व भी बहुत अच्छे रूप में बताया गया है। गायों को घास डाल सकते हैं, गरीबों को कुछ खाने की वस्तु दे सकते हैं, सफेद वस्तु जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इनसे संबंधित यदि कोई भी दान करते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का यदि आप स्वास्तिक बनाते हैं तो ये भगवान विष्णु लक्ष्मी के निमंत्रण का दिन होता है। और कल जो चंद्रमा के प्रकाश में कार्तिक मास की पूर्णिमा का प्रयोजन रहेगा,
ऐसे दिन में यदि आप अपने घर के अंदर घर के सभी सदस्य मिलकर सत्यनारायण की व्रत की कथा करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत प्रयोजन है। ये छोटे छोटे से दो तीन प्रयोजन कर देखिएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी के चरणों में अपनी मनोकामना का ध्यान कीजिएगा, आप देखेंगे जीवन से समस्त प्रकार की नकारात्मक स्थितियां हटेगी, घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होगा। सकारात्मक स्थितियों की मध्य नजर रखते हुए जितने भी कार्यों में आपको रुकावटें देखने को मिल रही है, इनसे अवश्य देखने को मिलेगी आपको निजात। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।